दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई शुरू हो चुकी है। सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि दिल्ली को 730 मीट्रिक टन की सप्लाई ऑक्सीजन हो चुकी है, लेकिन साथ ही साथ अदालत ने यह भी पूछा कि जब ऑक्सीजन सप्लाई बिल्कुल ठीक है तो दिल्ली के अस्पताल अदालत के पास क्यों आते हैं, क्यों गुहार लगा रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही। केंद्र की तरफ से एसजी ने दलील दी कि दिल्ली की 700 मीट्रिक टन की मांग सही नहीं लगती, इससे दूसरे राज्यों को नुकसान होगा। तो इसके अलावा दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित क्यों नहीं करती कि हर अस्पताल को ठीक से ऑक्सीजन मिले। अदालत ने तीसरी वेव पर भी तैयारियों पर सुप्रीम कोर्ट में सवाल पूछे केंद्र सरकार से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप महामारी के दूसरे चरण में हैं, दूसरे चरण में भी कई सारे मापदंड हो सकते हैं, लेकिन हम आज तैयारी करें तभी हम तीसरे चरण को संभाल सकेंगे। अदालत ने कहा कि कई वैज्ञानिकों की रिपोर्ट कहती है कि थर्ड फेज शुरू हो सकता है, और अगर बच्चे इन्फेक्ट होते हैं तो माँ बाप क्या करेंगे, अस्पताल में रहेंगे या घर रहेंगे, आपका क्या है प्लान। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे पूछा कि आपका प्लान क्या है। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं, संजय शर्मा और अरविंद ओझा। संजय, अदालत की तो ये सारी बातें हमने बता दी हैं, इस पर आपकी टिप्पणी चाहेंगे, लेकिन अरविंद, जो 730 मीट्रिक टन दिल्ली ऑक्सीजन दिल्ली को मिल रही है, क्या दिल्ली के अस्पतालों से अभी भी ऑक्सीजन कमी की खबरें आ रही हैं, या ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली के अस्पतालों की स्थिति इस वक्त क्या है? अरविंद जी, देखिए सईद, इसको लेकर लगातार आज जो दिल्ली सरकार है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो भी लगातार गुहार लगा रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि केंद्र की इस तरफ से सफिशियंट ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। हालांकि इस दौरान कई अलग अलग राज्यों से दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई हुई है, लेकिन फिर भी कई ऐसे अस्पताल है जहां से ऑक्सीजन के शॉर्टेज की जानकारी हमें मिलती है। सोशल मीडिया पर वो करते हैं, ट्वीट करते हैं या फिर मैसेज देते हैं, जिसके बाद आनन फानन में जो ऑक्सीजन है उन तक पहुंचाया जा रहा है। दिल्ली के कुछ सरकारी अस्पताल हैं जहां पर अब खुद जो ऑक्सीजन प्लांट है वो सेटअप होने वाला है। हालांकि उसमें काफी ज्यादा वक्त लगने वाला है, लेकिन दिल्ली उन अस्पतालों का कहना है कि हम बहुत जल्द इसको हम सेटअप कर देंगे, लेकिन अभी भी ऑक्सीजन की शॉर्टेज तो है। और ऐसा दिल्ली सरकार, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहते भी रहते हैं। और पिछले दिनों ऑक्सीजन की किल्लत की बात की जाए तो कई लोगों की इस वजह से मौत भी हो गई थी दिल्ली में, जो काफी दुखदाई था। इन सब के बीच जो वैक्सीनेशन का काम है वो भी दिल्ली सरकार ने तेज किया। हम एक छोटी तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे, ये जो पूरा आप वैक्सीनेशन सेंटर देख पा रहे हैं, बाहर लोग हैं और बकायदा टोकन दिया गया, टोकन सिस्टम दिया गया। आप लोग को टोकन दिया गया? टोकन सिस्टम है सर, टोकन। हाँ जी, आप सभी लोगों को टोकन दिया गया और इंतजार किया गया। तो क्या हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं अरविंद, आते हैं आपके पास, संजय शर्मा के पास लिए चलते हैं आपको। संजय, जिस तरह से अरविंद कह रहे हैं कि दिल्ली के अस्पतालों से अभी भी ऑक्सीजन कमी की खबरें आ रही हैं, और उधर अदालत ये कह रही है कि हमने केंद्र सरकार ने कह दिया अदालत में कि हमने तो दे दिया ऑक्सीजन, ये ऐसा क्यों होता है, विरोधाभास क्यों होता है? संजय, ये विरोधाभास इसलिए है कि दिल्ली सरकार का भी मौका है, दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपनी बातें बता रही, अपनी दलील दे रही है। वो टेक्निकल ग्लिच की बात करी, ये वही टेक्निकल ग्लिच है जिसका सामना मैं अभी काफी देर से कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपनी आवाज और आपकी आवाज की आवाज एको करती हुई सुनाई पड़ रही है। लेकिन वहां जो टेक्निकल ग्लिच है उसमें उनका ये कहना है कि केंद्र सरकार आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है। केंद्र सरकार लगातार ये कह रही है कि इतने हमने अभी तक भेज दिए हैं, हमारे पास सुबह 9 बजे तक 190 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई हुई है। कल पहली बार कई हफ्तों बाद हुआ जब हम 700 मीट्रिक टन हमारे पास ऑक्सीजन आई। उन्होंने केंद्र और कोर्ट का धन्यवाद किया, राहुल मेहरा जो दिल्ली सरकार के वकील हैं, और उनका ये भी कहना है कि सिर्फ केंद्र सरकार जो रास्ते में टैंकर हैं उसको भी यहाँ आया हुआ बता रही है। ऐसे में उनको ये मुश्किल लग रही है, उन्हें लग रहा कि टेक्निकल ग्लिच की वजह से उनको जितनी ऑक्सीजन की सप्लाई की जरूरत है वो शायद ना मिल पाए। आंकड़ों का खेल दिल्ली सरकार ने भी क्या, उन्हें कहा जहां तक केंद्र सरकार मुंबई का हवाला दे रही है, मुंबई में पर 10 लाख में 4,90,000 टेस्टिंग हो रही थी, हमारे यहाँ 9,90,000 टेस्टिंग हो रही है। हमारी टेस्टिंग भी ज्यादा है और हमारे यहाँ पॉजिटिव केसेस भी ज्यादा आ रहे हैं, लिहाजा हमारी मांग और हमारी जरूरत जायज है, हमारे यहाँ ज्यादा मुश्किल और परेशानी हो रही है। लिहाजा ऐसे में केंद्र सरकार को ये देखना चाहिए कि हमारे हर आदमी तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचे। और जस्टिस एमआर शाह ने भी यही कहा है कि हम यहाँ बैठे इसलिए हैं, हम चाहते हैं कि हर नागरिक तक जो जरूरतमंद है, जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है, वहां तक ऑक्सीजन पहुंचे।
साथ ही तीसरी लहर के लिए कोर्ट ने आगाह किया दोनों सरकारों को, और उन्होंने कहा कि आपकी लंबे समय की प्लानिंग होनी चाहिए, ये कुछ हफ्तों की बात नहीं है, तीसरी लहर आएगी अभी से तैयारी शुरू करेंगे तो हम तीसरी लहर का मुकाबला करेंगे, बिल्कुल, हम उस समय भी ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे।